दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS एकेडमी राजा का तालाब। आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल NS पठानिया ने कहा कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चे साइंस स्ट्रीम से हटकर अन्य विषय चुन रहे हैं, जो चिंताजनक बात है। इसके साथ ही प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और 300 यूनिट से ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, यानी प्रदेश के लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज प्रबंधन अच्छा नहीं है, जिस वजह से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की वजह से आज किसानों का बुरा हाल है। किसानों को सब्जी मंडी में उनकी सब्जियों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण किसान अपनी सब्जियों को खड्डों में फेंकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पठानिया ने कहा कि प्रदेश में इस समय सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के हर नागरिक को जागरूक कर उसको उसका अधिकार बताएगी और प्रदेश में एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए प्रयास करेगी। सर, भविष्य में अगर आम आदमी पार्टी हिमाचल में आती है तो क्या स्टैंड रहेगा और मौजूदा जो सरकार चली हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? धन्यवाद जी। जैसे कि मीडिया के बीच में काफ़ी समय से ये खबर चल रही है कि आम आदमी पार्टी देश में 6 स्टेटों में इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश भी एक शामिल है, क्योंकि 2022 में यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन हम लड़ेंगे। हमारा यहाँ सरकार बनाने का काफ़ी उसमें काफ़ी उद्देश्य हैं। सबसे पहले कि हम हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा उठाना चाहते हैं। शिक्षा स्तर हिमाचल प्रदेश का बहुत गिर चुका है। 110 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। 2000 जो हाई सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें सिर्फ 10-10 बच्चे रह गए हैं। कल ही अहम खबर आई थी, 450 स्कूलों के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चे में साइंस स्ट्रीम ही बंद कर दी है। तो ये अगर हिमाचल प्रदेश में अच्छे पढ़े लिखे बच्चे नहीं निकलेंगे तो वो अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे और ना ही अच्छा चुनाव होगा। शिक्षा के लिए होगा, बिजली की आपने काफ़ी कुछ सुन लिया है। बिजली का मैं लेटेस्ट बताता हूँ कि हमारी पार्टी जो है आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट जो है वो एकदम फ्री देगी और बाकी यूनिटों के बीच में उनको सब्सिडी मिलती रहेगी। तकरीबन ये बिजली जो है आपको मुफ्त ही होगी। ये सिर्फ अच्छे प्रबंधन की ज़रूरत है। मैं आप बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश के बीच में इस साल के बीच में 350 करोड़ रुपए की बिजली पैदा की। हमें बड़ी खुशी हुई हिमाचल प्रदेश में 350 करोड़ रुपए की बिजली, मगर अफसोस की बात है कि यहाँ पे 385 रुपए का खर्चा करती है, 385 करोड़ रुपए का, यानी कि 35 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने सरकार को घाटा डाल दिया। उस काम का क्या फ़ायदा? क्योंकि प्रबंधन अच्छा नहीं है, प्रबंधन अच्छा नहीं है इसलिए स्कूल अच्छे नहीं चल रहे, प्रबंधन अच्छा नहीं है इसलिए सड़कें नहीं बन रही हैं, इसलिए आपको पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल जो है आपके वो उनका स्तर बिगड़ चुका है। हर जगह के बीच में आपको एक अच्छे नागरिक चाहिए और जो कि हिमाचल प्रदेश की सेवा करें और इसको बढ़ाएं। और जिस तरीके से एजुकेशन के बारे में स्पेशल चीज़ जो दिल्ली में की जा रही है, जो मॉडल हम दिल्ली का जहाँ हिमाचल प्रदेश में लाना चाहते हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वहाँ पे स्कूल बने हुए हैं। बड़ी हैरानगी रहेगी आपको कि जो हमारे जो शिक्षक या स्टूडेंट जो फॉरेन में जाते थे एजुकेशन लेने के लिए, अभी फॉरेन वाले जो हैं विदेशी जो हैं वो दिल्ली में आएंगे, टीचर आएंगे, टीचर्स की स्पेशल अकेडमी खोली हुई है। सुरक्षा की जहाँ बात आती है हिमाचल प्रदेश में, सुरक्षा जो है और इनका जो है आत्महत्याएं वगैरह बहुत हो रही हैं और स्तर जो है हिमाचल प्रदेश का बहुत ख़राब होता जा रहा है। अभी जो कैमरे जो आपने सुने हैं दिल्ली के बीच में 2,60,000 रुपये 60 लाख कैमरे जो हैं वहाँ पर लग चुके हैं,
अरे नहीं, वो सारे सारे हमारे केजरीवाल सरकार ने नहीं लगवाए हैं, वो लगवाए हैं जनता ने, लगवाए हैं अपने घरों में, लगवाए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, लगाए हैं गली की सिक्योरिटी के लिए। मगर केजरीवाल सरकार जी ने अच्छा ये किया कि ओके, अगर आपका ये आपका अपना पर्सनल कैमरा है ये पकड़िए, 300 रुपये आपको मिलेंगे पर कैमरे के, आप इसको मेंटेन करके रखिए। सरकार का तो 300 रुपये गया ना, वो एक कैमरे के लिए 10,000 या 15,000 रुपये तो नहीं गया, तो ये प्रबंधन की बात होती है। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सूर्य स्टील फैक्ट्री, देहरी कॉलेज रोड, ढसोली। यहां पर मकान व शेड पर डालने वाली रंगदार चादरें बनाई जाती हैं। स्कीयर पाइप, एंगल डीलर अंबुजा सीमेंट बसरिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816055467 पर। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।